हेलो फ्रेंड्स, मैं सभा संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम टॉपिक चल रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इसका टाइप नंबर सिक्स टाइप का क्वेश्चन आज सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरेज मतलब दो से अधिक जब गिवन होंगे रेट, तो उसका एवरेज। गोपाल लेंट ₹5,000 टू टू पार्ट्स टू टू मैन, दो आदमी से उधार लिया उसने, एक 4% एंड अनदर 5%। आफ्टर टू इयर्स ही गेन इंटरेस्ट 4.2, मतलब 4.2% मिला एवरेज ऑन द टोटल मनी। फाइंड द मनी लेंट ऑन 4%। देखो तो ये यहां पर टोटल क्या है, क्या रुपीज दिया है 5,000। अब पहला फर्स्ट पार्ट तो 4% पे लिया है और सेकंड पार्ट 5% पे और एवरेज 4.2। तो ध्यान रखना है इस तरीके से जब डिफरेंस निकालते हैं, देखो तो एवरेज का सेकंड से निकालेंगे, सेकंड पार्ट का क्या है 5% का 4.2 से निकालेंगे 0.8%, और फर्स्ट का एवरेज से निकालेंगे तो ये 0.2। तो रेशो ऑफ टू, इसका रेशो फाइंड करना गिवन है अपन को। देखिए तो रेशो बिटवीन टू पार्ट्स, रेशो बिटवीन टू पार्ट्स, तो ध्यान रखना इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सेकंड वाला डिफरेंस है एवरेज से वो फर्स्ट पार्ट पे आएगा, उल्टा होता है, और फर्स्ट वाले का एवरेज से फर्स्ट वाले का सेकंड पे आएगा। 0.8% रेशो 0.2%, पॉइंट से पॉइंट स्मार्ट, इतने देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गए तो ये बचेगा 8:2, मतलब 4:1 ये आ गया। अब हमको उसका रेशो ऑफ सम ऑफ रेशो 4+1 कितना 5। अब आप देखिए तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंट मनी लेंट एट 4%। तो 4% कहा फर्स्ट वाला पार्ट था, तो फर्स्ट वाला रेशो का पार्ट क्या है यहां पर 4 है, कितना है 4 है। देयरफॉर मनी लेंट ऑन 4%, तो फर्स्ट पार्ट का लेंगे तो 4/5 टोटल नीचे आता, हमेशा देख ध्यान रखना। अगर सेकंड पार्ट का पूछे देते हैं 5% का तो 1/5 आ जाता है, इनटू टोटल मनी, इसके पार्ट करना है 5,000। देखिए तो यहां हो जाएगा 5 × 5 तो रुपीज 4,000। देयरफॉर ही लेंट रुपीज 4,000 एट 4%, 4% पे कितना उसने उधार लिया है 4,000। अच्छा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो यहाँ 15,000 रुपीज है फर्स्ट पार्ट है रेट का 15%, सेकंड 10% और एवरेज कितना दिया 12। तो एवरेज का सेकंड से डिफरेंस निकालेंगे वो 2 है और फर्स्ट से निकालेंगे 3। तो रेशो ऑफ टू पार्ट्स कितना दिया है 2:3, परसेंट हट जाएगा, टू इज टू थ्री। अब सम निकालेंगे तो सम है 2+3 5 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मनी ऑफ एट 10%। 15 और 10 पर दो पार्ट में दिया था, लिया था उसने, अब टोटल एवरेज था 12%। तो फर्स्ट पार्ट मतलब 10% कितना सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का मतलब जो 3 के लिए निकालना है। देयरफॉर मनी लेंट एट 10% एट 10%
तो 10% क्या है, सेकंड वाला है, तो 10 कहा जाएगा 3/5 इंटू 15,000, 5 3 15, तो ₹9,000, कितना ₹9,000। ये हमारे इस टाइप के 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 6 टाइप में। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहां डिफरेंट परसेंट और डिफरेंट टाइम और रेशो रेट के डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। देखो तो यहां टोटल बोरो मैंने उधार दिया 8,000, अब उसमें कुछ पार्ट दिया 6% एट 5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए 8% भी दिया है, और एट द 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स, और टोटल ईयर्स कितने हैं 12। देखो तो फर्स्ट रेशो है 6% टाइम 5 ईयर्स, सेकंड रेशो 8% है, देखिए 8% है और टाइम 3 ईयर्स, और थर्ड 10% है तो टाइम 12 - 8, क्योंकि देखो अपने पास 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, 8 ईयर्स करके लिए दिया था, तो बियॉन्ड मनी इसके बाद 8 ईयर्स के बाद लेना, तो टोटल 12 - 8 गया 4% टाइम आ गया T3। अब आप देखिए तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में R1 × T1 R2 × T2 R3 × T3 upon 100। मैंने तीनों पार्ट्स का एक्चुअल में है क्या, फॉर्मूला वही लग रहा है, SI इक्वल टू PRT upon 100, ये फॉर्मूला है, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे 3 बार है तो P कॉमन ले लिया, R1 T1 R2 T2 और R3 100 भी नीचे एलसीएम में कॉमन आ गया, देखिए एलसीएम आ गया इसका। तो अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो प्रिंसिपल है 8,000, R1 T1 देखिए 6-5, R2 T2 8 × 3, R3 × T3 कितना 4 अपॉन 100। तो अब आप यहां पर देखिए 8,000 × 30 24 40 34 70 70, तो या कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ₹7,520, ये आगे देखो। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब पार्ट्स दिए हों, क्या किसके रेशोज दिए होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ईयर दिए होंगे, टाइम दिया हो तब लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फर्स्ट रेशो R1 और टाइम 2 ईयर्स, R2 6%, T2 4 ईयर्स, R3 8% और T3 3 ईयर्स। लेट प्रिंसिपल का मान लिया, इसमें ये पता करना कितना प्रिंसिपल दिया है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट अपन को दे रखा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1,120। लेट द मनी इज रुपीज पी या प्रिंसिपल पी, तो ये हो जाएगा, इसमें भी वही लगेगा, देखो टोटल इंटरेस्ट तो टोटल इंटरेस्ट यहां लगने वाला क्या लगेगा, देखिए P × R1 T1 R2 T2 R3 T3
अपॉन 100 इक्वल टू 1120। देखो तो यहाँ लगा फॉर्मूला लग जाएगा P इक्वल टू R1T1, P इंटू R1T1, तो 4 इंटू 2, 6 इंटू 4 और 8 इंटू 3 अपॉन 100 इक्वल टू कितना गिवन है 1120। तो P इंटू ये डिवाइड में 100 जाएगा, उधर जाएगा कहाँ जाएगा, डिवाइड में 100 जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8 24 24 इक्वल टू 1120 इंटू 100। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 56, कितना आएगा 56 आया, वो डिवाइड में जाएगा तो P इक्वल टू 1120 इंटू 1000 अपॉन 56, 56 टू जा होता है, तो प्रिंसिपल आ गया रुपीज 2000, ये हमारा आंसर आ गया।